खबर शिवगढ़ रायबेली से है, जहां विकासखंड क्षेत्र के सैमरगंज में भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया जा रहा धरना रविवार को समाप्त किया गया। मंदिर में टीन सेट वापस मिलने पर किसान यूनियन ने धरना समाप्त किया। गौरतलब हो कि 5 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोगों ने खंड विकास अधिकारी शिवगढ़ के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना देने की चेतावनी दी थी। तब से अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा था। रविवार को तहसील प्रशासन की दखल के बाद धरना प्रदर्शन का समापन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संगम लाल वर्मा ने बताया कि सैमरगंज में 5 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने मंदिर से उतरवाई गई टीन सेट, आवारा पशुओं से निदान, बारात घर निर्माण, पानी निकासी के लिए नाला निर्माण तथा गांव में नालों के निर्माण के लिए प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें प्रभारी थाना अध्यक्ष शिवगढ़ संतोष यादव ने मध्यस्थता करते हुए मंदिर परिसर के टीन सेट को वापस कराया और अन्य मांगों के लिए उपजिलाधिकारी महाराजगंज सालीग्राम वर्मा से आश्वस्त कराया है, जिसके कारण धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ ब्लॉक उपाध्यक्ष सर्वेश वर्मा, ब्लॉक महामंत्री महादेव प्रसाद वर्मा, ब्लॉक सचिव गंगा प्रसाद, ब्लॉक कोषाध्यक्ष राजकुमार, उपाध्यक्ष राज बहादुर आदि उपस्थित रहे। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। ब्लॉक शिवगढ़, हमारा जो है अभी धरना चल रहा था 5 सितम्बर से सैमरगंज मंदिर भौसी गांव पंचायत में। एक मंदिर परिसर है, मंदिर है हनुमान जी का, जो कि विगत करीब 40 वर्षों का है। वहां पर एक टीन सेट रखा हुआ था। तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग जा करके वहां पर प्रधान के साथ उस टीन सेट को जो है तोड़ करके उठा लाए थे, थाना परिसर में रख दिया था, जो कि गाँव के लोग भक्त वहाँ पर पूजा पाठ करते थे, मुंडन संस्कार करते थे, उस टीन सेट का उपयोग करते थे, भंडारे के रूप में भी करते थे वहाँ पे। इसके नीचे इसको जो है उठाना है, उसमें जनता वहाँ की आक्रोशित हुई, जिसको भारतीय किसान ने उसको मुद्दा बनाया और उस पर धरना देना शुरू कर दिया ज्ञापन देकर के, जिसमें 8 सितंबर को एडीएम महोदय ने नया तहसीलदार को भेजा। किसानों के साथ हम लोगों के साथ वार्ता हुई, वार्ता सफल नहीं हुई। उन्होंने टीन सेट भेजने के लिए अपनी असहमति जताई। कल दिनांक 10 सितंबर को थाना अध्यक्ष महोदय शिवर ने मध्यस्थता की हमारे और प्रशासन तहसील प्रशासन के बीच की, किसानों के साथ जो है सिंपैथी दिखाते हुए प्रशासन से बात किया और टीन सेट को वापस कराया, जिससे हम लोग थाना अध्यक्ष महोदय को हमारे क्षेत्र के किसानों ने बधाई दी और आज अपने वादे के मुताबिक जो है हम कि जब तक टीन सेट नहीं आ जाएगा हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। टीन सेट आ जाने के बाद मैं धरना समाप्त कर दूंगा। उस हिसाब से हमने अपने वादे के हिसाब से आज अपने धरने को समाप्त कर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई और मांग है आपकी? इसके साथ में हमारी जुड़ी हुई मांगे थी आवारा पशु जो है निजात दिलाई जाए किसानों को, जो टैग लगे हुए जानवर हैं, जो अभियान चला करके गांव में एक बार जो है प्रशासन ने टैग लगवाया था सभी जानवरों को, उन टैगों को चिन्हित करके अगर कुछ क्षेत्र में घूम रहे जानवर हैं टैग वाले, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाई। तो इन 6 सूत्री मांगों में क्या क्या आश्वासन मिला, कैसे क्या बताया गया? हमें ये आवारा पशुओं के संबंध में आश्वासन मिला है, बारात घर का आश्वासन मिला है, वहाँ पे एक नाला था बनवाने की बात थी वो मांग थी हमारी, उस पर आश्वासन मिला है, और ग्राम पंचायतों में जो है ये पशु आश्रय केंद्र बनवाया जाए इसका आश्वासन मिला है, और टेंशन हमारा वापस कर दिया गया है ऐसा सम्मान, जिसकी हमारी प्रमुख मांग थी, इसके लिए जो है मैं थानेदार को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।